जानती हूँ तुम बोल रहे हो। ना जाते हुए भी मैं चाहती थी कि तुम्हारा ये फोन आए, पर देव कुछ मत करो प्लीज प्लीज, यूं ही खामोश रहना और पीछे मुड़कर भी मत देखना देव, चले जाओ वापस, चले जाओ देव वापस, चले जाओ। कदम भले ही डगमगाए, दर्द भले ही बर्दाश्त के बाहर हो जाए, पर इस फासले को यूं ही बढ़ने दो देव। बेशक हमें इन पलों ने जिदा कर दिया, बेशक हम एक दूसरे के नसीब में नहीं रहे थे, पर बीते हुए कल की सच्चाई बेशक यही रहेगी कि देव ने पप्पी को बहुत प्यार दिया था और पप्पी को देव से बहुत प्यार हो गया था। ये पप्पी का पहला प्यार था और शायद आखिरी। देव, तूने अभी तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। एक घंटे से मैं खाना रख कर गई हूं और एक गिराई भी नहीं खाई है। क्या हो गया है तेरी भूख और प्यास को? भूख हड़ताल पर बैठा है क्या? और ये लड़की कौन है जिसके पीछे इतना दीवाना हुआ जा रहा है? मालूम है तेरे बाऊजी कितना नाराज हो रहे थे तेरे पर, ऐसे ही बिना बताए लंदन चला गया। वो तेरी शादी की बात सोच रहे हैं। अरे तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? मैं पागलों की तरह बकते जा रही हूँ, कुछ तो बोल। टीवी बंद कर, बंद कर टीवी, तूने सुना नहीं?
तेरे बाबूजी आएंगे, वो ही तेरे को ठिकाने लगाएंगे। हेलो, मैं प्रीत की मम्मी जसबीर। गुड मॉर्निंग आंटी जी। याद है ना आज क्या है? हाँ, प्रीत का बर्थडे है और मैंने सुबह उसे विश भी कर दिया था। पर प्रीत को तो वो मत बताना जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ। मिस्टर सूद, आई मीन मेरे प्रेजेंट हस्बैंड प्रीत के बर्थडे पे एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं, पर प्रीत को इस बात की हिंद भी नहीं। ये तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आंटी जी। वैसे भी आजकल प्रीत कुछ उदासी रहती है। पर प्रीत की उदासी दूर करने की तो विक्की ने ठान ली है। देख मम्मी, तू रोहन के साथ पूरे 6:30 बजे पहुंच जाना और मैं प्रीत को लेकर 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी। आंटी जी, मेरा कुछ पक्का नहीं है मैं आ पाऊंगी या नहीं। तबीयत जरा सी खराब है। क्या हुआ तबीयत को आंटी? मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम लोग पार्टी पर आ रहे हैं। ओ रोहन, प्रॉमिस? यस, दैट्स अ जेंटलमैनस प्रॉमिस। आई विल वेट फॉर यू। हैव अ गुड डे। बाय। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? क्या तबीयत वाकई खराब है? अब जब तुमने कमिट कर ही दिया है तो फिर क्या पूछते हो? हाँ, जब कमिटमेंट हो जाए तो उसे पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट, ये कमिटमेंट ने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है? देखो भाई, इनकी आंखों में आंखें डालकर रहा कीजिए। ये हिदायत मैंने अंगूठी को दी थी, तुम्हें नहीं। तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो रोहन? वाह, क्या तरक्की हुई है हमारे रिश्ते में। जॉन कहाँ रह जाता है वो भी अब तुम्हारे समझ में आ जाता है। रोहन, तुम्हें जो भी कहना है कह डालो। मैंने कुछ तय किया है। मैं सुन रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में हम शादी कर लेंगे। इसकी कोई खास वजह? तुमसे शादी की मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है, मोहब्बत। शायद तुम्हारे पास कोई और वजह हो। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम तैयार होके आ जाओ। किस लिए? घबराओ नहीं, हम आज ही शादी नहीं कर रहे। आज तो हम सिर्फ शादी के कार्ड सिलेक्ट करने जा रहे हैं। I'm waiting for you, Ram. वैसे बाबूजी, इन दिनों मैंने एक कमाल की बात नोट की है। क्या पुत्र? आप लोग जब से इंडिया से वापस लौटे हो, कोई मुझसे शादी की बात ही नहीं कर रहा। कहीं आप लोगों ने इरादा तो नहीं बदल लिया? कैसी बातें कर रहे हो रोहन? बीजी, अब जब कोई उस बारे में बात ही नहीं कर रहा तो ऐसी बातें सोचती है ना। नहीं नहीं पुत्र, हम क्यों इरादा बदलने लगे? बाबूजी, इंडिया जाने से पहले दिन में एक आध बार कोई शादी की बात निकालता ही था। तय हुआ था कि लौटते ही शादी की तारीख तय करते हैं। मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि कोई शादी की बात छेड़े, पर कोई। दरअसल वो तुम्हारे नए घर का काम चल रहा था ना, इसलिए हमने बात नहीं उठाई। आंटी, अब इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या मिस्त्री की वजह से तो मैं शादी पोस्टपोन करूंगा नहीं। पुत्र, तू कहता तो मैं जेंद को कह के ना अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के तेरी शादी तय कर देते हैं। भाऊजी, शादी तो तय है, अब शादी की तारीख तय करनी है। ओ, मेरा मतलब भी वही था पुत्र। और मैं तो कहता हूँ जो भी पहला मुहूर्त हो उसी दिन की शादी तय कर देते हैं। मैं अभी पम्मी के साथ शादी के इन्विटेशन कार्ड फाइनल करने जा रहा हूँ। डेट भी आज ही तय हो जाए तो शादी के कार्ड प्रिंट होने दे देते हैं। ठीक है। तो ठीक है बीजी, हम कार्ड फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीत की बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। ठीक है। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स। अच्छा बाबूजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलती हूँ। अच्छा बेटा। क्या सोच रहे हैं आप? सुख माना, हमारी तरफ से थोड़ी देर हो गई है, पर ये रोहन को अचानक शादी की इतनी जल्दी क्यों मच गई?
आज पहली बार उसने शादी के लिए मुंह खोला है। कहीं उसे कोई शक तो नहीं बीजी? नहीं नहीं पुत्र, क्या है गिल्ट हमारे दिल में है ना, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।